So students, we are on the discussion of the very first poem written by William Wordsworth, and that is Daffodils. Students, we will discuss this poem on different dimensions, and first of them is poet itself, or we can say the biography of the poet. William Wordsworth was born on April 7, 1770 in Cockermouth, Cumberland, England. ये इंग्लैंड का एक छोटा सा कस्बा था जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुआ। वर्ड्सवर्थ्स मदर डाइड व्हेन ही वाज एप्रोक्सीमेटली 7 इयर्स ऑफ एज एंड ही वाज एन ऑर्फन एट 13। मींस के वर्ड्सवर्थ के दोनों पेरेंट्स 13 साल की उम्र में ही वफात पा चुके थे। डिस्पाइट ऑफ दीज लॉसेस ही डिड रियली वेल एट हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल वेयर ही रोट हिज फर्स्ट पोएट्री। लेटर ऑन ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी but unfortunately he did not excel here but finally managed to graduate in 1791. Wordsworth is also known as father of romanticism. Students, aapko romanticism ya romantic movement ko samajhne ke liye hame romantic movement ke pehle ke halaat ko aur pehle ke shayaron ko aur pehle ki poetry ko samajhna nihayat hi zaruri hai. Uske baad hum romanticism ke different characteristics ko bhi discuss karenge. Students, to romantic se pehle नियो क्लासिक्स थे और नियो क्लासिक्स का मेन थीम क्या था, उनका सब्जेक्ट मैटर ग्रैंड था। ग्रैंड इन द सेंस कि वो सिर्फ गॉड्स के बारे में पोएट्री लिखते, वो सिर्फ किंग्स के बारे में पोएट्री करते थे, क्वींस के बारे में पोएट्री करते थे, या ड्यूक्स के बारे में, या बड़े बड़े सोल्जर्स के बारे में पोएट्री करते थे, और उनका सब्जेक्ट मैटर भी ग्रैंड होता था जिससे कॉमन मैन का कोई ताल्लुक नहीं। सेकेंडली, रोमांटिक मूवमेंट से पहले जो पोएट्री की लैंग्वेज थी वो आम लोगों की लैंग्वेज नहीं थी, वो लैंग्वेज बुकिश लैंग्वेज थी जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड लोगों को समझ आती थी। थर्ड पार्ट ये था कि आम लोगों के मसाइल को न्यू क्लासिक पोएट्री में जरा भी डिस्कस नहीं किया गया। नाउ स्टूडेंट्स, रोमांटिक मूवमेंट इसके बिल्कुल बरक्स थी इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि स्टार्ट होती है विलियम वर्ड्सवर्थ के आने से और सैमुअल टेलर कॉलरिज के आने से। ये दोनों इंसान पायनियर थे रोमांटिक मूवमेंट के इंग्लिश लिटरेचर में। स्टूडेंट्स, इन दोनों पोइट्स ने रोमांटिक मूवमेंट को आके स्टार्ट किया। अब बेसिकली रोमांटिसिज्म है क्या, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आपको रोमांटिसिज्म समझने के लिए कुछ चीजें जहन में रखना जरूरी है। रोमांटिक मूवमेंट का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स ये था पोइट सब्जेक्टिविटी। इससे पहले जितनी भी पोइट्री लिखी जाती थी उसमें पोइट की अपनी राय कहीं पे भी नहीं थी, किसी भी पोएट्री में वो अपनी राय शामिल नहीं कर सकता था। लेकिन रोमांटिक्स पोएट ने अपने आप को पोएट्री में इंट्रोड्यूस करवाया और अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स और अपनी इमेजिनेशन को अपनी पोएट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। सेकेंडली, नियो क्लासिक्स के बरक्स रोमांटिक मूवमेंट की पोएट्री जो थी उसकी लैंग्वेज जो उस पोएट्री में यूज की गई थी वो बिल्कुल सिंपल थी, कॉमन मैन को अंडरस्टैंड होने वाली लैंग्वेज थी। थर्डली, सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए तो सब्जेक्ट मैटर भी मैं और आप थे, यानी कि कॉमन लोग थे। हमारे मसाइल को उजागर किया गया था, हम किन चीजों को फेस कर रहे हैं ये पोएट्री में बताया गया था, रोमांटिक्स की पोएट्री में। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रोमांटिसिज्म इज अ मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर विच इज बेस्ड ऑन पोएट सब्जेक्टिविटी। सेकेंडली, इसका बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि लव फॉर नेचर हर रोमांटिक पोएट की पोएट्री में मिलता है। सिमिलरली, वर्ड्सवर्थ को भी पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट, अब आपको रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिसिज्म का समझ आ गया होगा कि रोमांटिसिज्म एक वो मूवमेंट है जो इंग्लिश लिटरेचर में कॉमन मैन के लिए आई थी, मेरे और आपके लिए पोएट्री लिखनी जब शुरू की गई थी तो उसको हम रोमांटिक मूवमेंट कह सकते हैं।